जय शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हीरे मेडिकल कॉलेज सूरत बाईपास धुलिया महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री माँ महालक्ष्मी शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 15 नवंबर पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 15 से 19 नवंबर 2023 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक है। अच्छी कथा में गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी के जल से जुड़े 2 विशेष उपायों की जानकारी दी है जिसे आप कामना पूर्ति, अटके कार्यों के लिए और अटके हुए पैसों को वापस प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इन दोनों उपायों को आप कर सकते हैं। ये दोनों उपाय बहुत ही विशेष हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 15 दिन पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, नासिक महाराष्ट्र में कौन सी ज्योतिर्लिंग है जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए रामेश्वरम, बी त्र्यंबकेश्वर। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा, आज मेरी बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भरत काजल चौधरी जी पत्र लेकर आए, मेरी पत्नी के गर्भ से जब बच्चे ने जन्म लिया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि पत्नी के आधे घंटे के ही प्राण है क्योंकि शरीर में तकलीफ हो गई है। हमने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पत्नी के पास लाकर रखा और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग मुंह में लगा दिया और आज बीबी और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं और कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, अगर जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, तकलीफ है, दुख है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के नज़दीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के नज़दीक में जो शिवलिंग हो, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दो क्योंकि जो प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है उसका हाथ भोलेनाथ पकड़ लेते हैं और उसका हाथ ऐसे ही नहीं छोड़ देते, उसका हाथ मंजिल पर पहुँचाने के बाद ही छोड़ते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रुचि ने बताया, ये कथा 19 नवंबर को यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी और 21 नवंबर से जो अगली कथा है गुरुजी की वो नासिक में गोदावरी के तट में पंचवटी में शिव महाप्राण कथा शुरू हो जाएगी और ये भी 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ ग्रसित होने लगा, बड़े बड़े शहरों की ऐसी ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने अपने भंडार खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया और जरूरतमंदों को दवाई और ऑक्सीजन देते रहे। और कई ऐसी बड़ी हस्तियां थी जो पैसा को गले लगाकर बैठे रहे, ना दान कर पाए, ना पुण्य कर पाए और कोरोना से ग्रसित होकर वही ऊपर चले गए। बढ़ते हैं आशी कथा की छठवीं जानकारी की ओर। बौकर, लॉकर और सांकल, ये 3 पर आज की जिंदगी चल रही है। बुढ़ापा बौकर से निकल रहा है, जवानी सांकल मतलब कुत्ते को घुमाते हुए निकल रही है और कुछ माताओं की उम्र लॉकर के साथ ही निकल रही है। बढ़ते हैं आशी कथा की सातवीं जानकारी की ओर। उज्ज्वला जी पत्र लेकर आए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, संतान सुख नहीं था, जिसने जो कहा वो किया। मेरी सासू माँ ने मालेगांव की कथा में जाने को कहा, जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोले तब तुम भी बोलकर कामना करना। हमने भी ऐसा ही किया, आकर आपने बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत भी किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 8वां महीना चल रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले हम 3 महीने कहते थे पर अब हम कहते हैं जो कथा पंडाल में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहा है उसकी इच्छा 1.5 माह के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, 2020 में कैंसर हुआ था, पता चला हार्ट में कैंसर है और उसमें गठाने हैं, 3-4 हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह कैंसर बताया। मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मेरी संतान भी नहीं है। मेरी भाभी ने बताया सीहोर वाले महाराज शिव महाप्राण कथा करते हैं और उसमें रुद्राक्ष का महत्व बताते हैं, तो हमने कथा सुनना शुरू किया और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। पर रुद्राक्ष का जल पीते पीते कष्ट और बढ़ गया, तो मैंने सोचा जल पीने से तो और कष्ट बढ़ गया, पर मैंने शिव पर विश्वास कायम रखा, रोज 1 लोटा जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ व्रत किया
बाबा का गुणगान करती। धीरे धीरे जलन कम हुई और फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा कैंसर अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रोहित जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 10 वर्ष का है। मेरे बेटे के कान में एक गठान हो गई है जिसे डॉक्टर ने सही नहीं है ऐसा कहा और डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन का कह दिया और इलाज के लिए बाहर जाने को भी कहा। मैंने मेरे बेटे को एक लोटा जल चढ़ाने को कह दिया और बाबा से कह दिया कि अब यह बेटा तेरा है, मेरा नहीं है। मैं रोज बेटे को लगातार शिवलिंग पर चढ़ा जल पिलाती और थोड़ा सा कान के पास जहाँ गांठ है वहाँ पर लगा देती, हाथ फेर देती और एक महीने के बाद फिर से जांच कराई तो गांठ नहीं थी, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक बार माँ लक्ष्मी ने अश्व देखा। तो अब आप पूछेंगे कि अश्व वैकुंठ में क्या कर रहा था, तो आपको पता होना चाहिए जब अश्वमेघ का अश्व छोड़ा जाता है तो वह एक क्षण के लिए वैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते हैं तो वह जल भी पितृलोक में ज़रूर जाता है, पर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद दो बूंद भी जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यदि चढ़ रहा है तो वह पितरों को ज़रूर प्राप्त होता है। हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। वंदना जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा कई वर्षों से आर्मी की तैयारी कर रहा था, रेलवे की तैयारी किया पर निकला नहीं, फेल हो गया था। फिर आपकी श्री महापुराण कथा सुनी जिसमें आपने शिवलिंग पर जल, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल और जलाधारी पर जल का वर्णन बताया, तो मैंने मेरे बेटे को बताया अशोक सुंदरी स्थान पर जल चढ़ाकर जलाधारी के कटी भाग में जल चढ़ाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। तो बेटे ने कहा, क्या जल चढ़ाने के तरीके को बदलने से बाबा सुन लेता है? और मैंने मेरे बेटे से जल चढ़ाना शुरू करवाया और मेरे बेटे ने जब फॉर्म भरा पर उसका चयन नहीं हुआ, पर मैंने उसका विश्वास नहीं टूटने दिया। उसने 2 वर्ष तक मेहनत की, बाबा पर विश्वास रखा और बेटे ने इंडियन आर्मी में श्रीनगर में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। नालूबाई जी पत्र लेकर आई। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। दोनों बेटों को शिवलिंग पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाने को कहा और बाबा से निवेदन की कि मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए तो कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करूंगी और बाबा की कृपा से एक बेटा निशमन में और दूसरा बेटा महाराष्ट्र पुलिस में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब हम कोई कामना करते हैं पर वो पूरी नहीं होती, कभी कभी कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, तो हमने 5 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जल आपको गणेश भगवान जलाधारी में जहाँ राइट साइड में गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आपको थोड़ा जल चढ़ाना है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। तीसरा स्थान अशोक सुंदरी माता का बताया गया है, तो थोड़ा सा जल जो बीच में मोटी लाइन है वहाँ पर जल चढ़ाइएगा। फिर चौथा जल आपको जलाधारी के कटी भाग में, मतलब जो गोल कटी भाग है माता पार्वती के हस्त कमल है वहाँ पर जल चढ़ाइएगा। और 5वां जल, पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे धार से जल चढ़ाते हुए अपनी कामना करते हैं और कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, पैसा कहीं अटक क्यों ना गया हो, कोई कार्य यदि आपका पूर्ण भी नहीं हो रहा है, बाबा उसे 3 से 4 महीने में हमारी कामना निश्चित पूर्ण कर देते हैं। अब ये उपाय आपको रोज करना है, प्रतिदिन करना है। आरती गुरु जी ने अशोक सुंदरी माता से जुड़ा हुआ जो उपाय बताया है उसे आपको किस तरीके से करना है एक बार आप और ध्यान से सुन लीजिए। जब आप शिव मंदिर जाएं, तांबे के कलश में जल भर कर ले जाइएगा और वो जल आप शिवलिंग के ऊपर धीमी धीमी धार से चढ़ाइएगा और थोड़ा सा 2 बूंद जल आपको लास्ट का बचा हुआ आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलते हुए वो जल आपको चढ़ा देना है। ये जल पितृलोक में पितरों को ज़रूर प्राप्त होता है। वो घर में जो समस्याएं आती हैं, बाधाएं होती हैं, आपके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो वो कार्य पूर्ण होना आरंभ हो जाते हैं। सिर्फ 2 बूंद जल आपको लास्ट का अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। गुरु जी ने वैसे बताया तो नहीं है ये उपाय कब कब करना है, पर आप ये उपाय रोज भी कर सकते हैं या इसके अलावा आप सोमवार के दिन मंदिर जाते हैं या प्रदोष के दिन मंदिर जाते हैं या शिवरात्रि के दिन मंदिर जाते हैं तो इस दिन भी आप इस विशेष उपाय को किसी कामना को लेकर कर सकते हैं। अच्छी कथा आपको कैसी लगी
आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। साथ ही इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।